माई सेल्फ पंकज कुमावत, मैं RCDF सिलेक्टेड अभी सीकर डेयरी से क्वालिटी चेकर की पोस्ट से इंचार्ज हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा RSMWSB की ओर से होने वाले PTI के फॉर्म, फिजिकल एजुकेशन टीचर के फॉर्म के बारे में डीपली डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर जो कॉलेज BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के केमिस्ट्री और बोटनी के लेक्चर बना चुका हूँ। साथ में जो लैब असिस्टेंट है, PTT के फॉर्म है, उसमें जो भी किसी तरह की समस्या है उसके रिगार्डिंग में लेक्चर बना चुका हूँ। जो मैं PTI के फॉर्म है इसके बारे में बात करूंगा। ये जो PTI के फॉर्म है इसके जो अप्लाई स्टार्ट होगा 23 जून से 22 जुलाई तक, यानी आपके पास में फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का टाइम रहेगा। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 सितंबर फिक्स की गई है, यानी आपके पास में अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अभी भी 3 मंथ्स का टाइम है, आप अच्छे से एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो जनरल और OBC के लिए 450 रुपीज़ का, यानी 450 रुपये रखी गई है। OBC NCL यानी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 350 रखी गई है। SC और ST के लिए 250 रुपये 250 रखी गई है। और इसमें एज का क्राइटेरिया है वो 18 to 40, यानी 18 से 40 की उम्र वाले इसको भर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5546 है, यानी 5546 पोस्ट है, यानी अप्रोक्स आपके 5500 पोस्ट हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसमें मैं पोस्ट की सेपरेटली बात करता हूँ तो नॉन TSP एरिया के लिए 4899 यानी आपके पास में 4899 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 1769, OBC की 1016, MBC की 248, SC की 772 और ST की 488 पोस्टें हैं। TSP एरिया की मैं बात करूँ तो कुल 647 से पोस्टें रखी गई है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए कि 12th pass है, आप किसी भी सब्जेक्ट से रह सकते हो। साथ में ये होना कंपलसरी है, या तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, या फिर आपके पास में बेचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। आपके पास में 12th के साथ में या तो फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा या फिर फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होना कंपलसरी है। आप आवेदन करने के लिए आपकी जो SSO ID बननी हुई है वहीं से आप डायरेक्ट इस पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ में एक सावधानी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मीनिंग है आप अपना नाम, पिताजी का नाम, DOB, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसको एकदम से अच्छे से ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का सुधार संशोधन नहीं किया जा सकता। ये इसमें मैं बात करता हूँ आगे एडमिट कार्ड की, यानी जो एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आएंगे तो वो एक एडमिट कार्ड है आपको जीमेल के माध्यम से भी डायरेक्ट वहाँ से सूचित कर दिया जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ से मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं बात करता हूँ इसमें आरक्षण की, जो रिजर्वेशन है इस बार इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है, यानी इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्टें हैं उनका भी वितरण कर दिया गया है। नॉन TSP के लिए अलग रखी गई है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं और कौन सी कास्ट के लिए कौन सा, तो इसके लिए आप जो सामने लिस्ट है तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। नॉन TSP और TSP के लिए अलग अलग लिस्टें रखी गई है। मैं बात करता हूँ फिर इसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी OBC का EWS सर्टिफिकेट है, वो आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अभी फॉर्म अप्लाई करने से पहले यदि इसको अप्लाई करते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट को, तो आगे कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% का रिजर्वेशन दिया गया है, यानी यदि आपने किसी भी इसमें सैन्य सेवा में वर्क किया है तो आपको 12.5% का आरक्षण है, यानी उस वो पोस्ट है आपकी रिजर्व रखी गई है। और मैं बात करता हूँ उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी लिए इसमें 2% का आरक्षण दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में इसमें कुछ केसेस कवर किए गए हैं, जिस तरह से ओलंपिक में खेला हुआ, या फिर एशिया ओलंपिक में, या फिर साउथ ओलंपिक में, या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल्स वगैरह में, या फिर राष्ट्रमंडल खेल है इनमें भाग लिया हुआ होना चाहिए। मैं आगे बात करता हूँ इसमें जो PH है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उसके लिए 4% का आरक्षण भी दिया गया है। बट इसके साथ में एक ध्यान रखना है, इनकेस कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है पर्सन है तो उसको आवेदन करने की जो तिथि, यानी आप जब अप्लाई करते हो उससे पहले ही ये जो PS का सर्टिफिकेट है वो आपका बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि DV के समय आप बनाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें वेतनमान, यानी इसमें पे लेवल क्या रहेगा।
इसमें पे मैट्रिक्स लेवल आपका 10 तक रहेगा, यानी जो सैलरी है वो भी आपकी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। इसी के साथ में जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें सैलरी फिक्स रहेगी, उसमें किसी प्रकार को आपका HRA, DA, TA और अदर कई प्रकार के भत्ते नहीं दिए जाएंगे, बट आफ्टर प्रोबेशन आपकी बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। मैं इसमें बात करता हूँ कि इसकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी आपको बताई थी 12th और साथ में जो आपकी बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, वो भी आपकी जब वहाँ पे DVU होता है उससे पहले कंप्लीट होने कंपलसरी है। यानी आपको जिस समय एग्ज़ाम कंप्लीट होगी DVU होगी तब तक कंप्लीट होना है। यानी आप फाइनल ईयर में अभी हो तो साथ में बढ़ सकते हो, क्योंकि इस वैकेंसी को इतना टाइम लग जाएगा, पहले एग्ज़ाम होगी फिर बाद में यदि कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चलेंगे या जिस तरह से आगे भी कोई प्रोसेसिंग होगा तो अप्रोक्स समथिंग इसमें 8 to 10 months का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब यदि आप फाइनल ईयर में हो तो आप बढ़ सकते हो, और यदि आप बैचलर डिग्री या डिप्लोमा क्वालिफाई हो तो आपको 100% इसको फिलअप करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आयु में छूट। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया हुआ है, जिस तरह से OBC है, SC ST इनके लिए वो 5 ईयर 10 ईयर, आप इसमें भी लिस्ट में भी देख सकते हो किस तरह से दिया हुआ है। मैं बात करता हूँ इसमें आगे जो पेंशन मिलेगी, पेंशन स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की ओर से रहेगी। इसमें जो परीक्षा शुल्क है, यानी जो आपका एग्ज़ाम फीस है, वो आपको 23 से 22 जुलाई तक के मिड में ही आपको सबमिट करवाना होगा। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसमें फ़ोटो और आपके साइन है, फ़ोटो और साइन है आपके, जो फ़ोटो है वो नई वाली फ़ोटो होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो अपलोड मत करना। इसी के साथ में जो सिग्नेचर है वो भी अच्छे से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली के स्टूडेंट मोबाइल से फॉर्म भरते हैं। मोबाइल से भरना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें साथ में आप ये ध्यान रखा करो कि जो फ़ोटो और जो साइन है उसकी क्लियरिटी है वो अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोटो और साइन की जो क्लियरिटी अच्छे से नहीं आने के कारण से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और साथ में ध्यान रखना फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड है या तो ब्लू होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, मैंने एक बात बताई आपको, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपका खुद का नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इन चार चीज़ों में संशोधन नहीं होगा। इसी के साथ में अब आप यदि कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अदर किसी में संशोधन करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन इन चार में संशोधन नहीं होगा, तो फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें आपका DV वेरिफिकेशन के टाइम, DV वेरिफिकेशन है उसमें आपको जो मोस्टली सभी एग्जाम में सभी DV के लिए चाहिए वो इनमें डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, यानी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 8th की, 10th की, 12th की, और आपने जो बैचलर डिग्री है इसमें फिजिकल एजुकेशन की उसकी मार्कशीट या फिर डिप्लोमा है तो वो, उसी के साथ में आपका बोनोफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास है, और उसी के साथ में ही आपका यदि कास्ट सर्टिफिकेट है, और यदि PH अप्लाई होता है तो PH है तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ में वो चरित्र प्रमाण पत्र है, पुलिस वेरिफिकेशन है, ये भी आपको कंपलसरी रहते हैं। नेक्स्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करता हूँ सिलेबस की। इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो 200 नंबर का रहेगा, 200 नंबर 2 घंटे के लिए रहेंगे, और इसमें आपको 100% करने होंगे, यानी आपको 100% है वो 2 घंटे में करने रहेंगे। इसमें जो कवर होगा वो राजस्थान का GK, इंडियन का GK और वर्ल्ड का GK, यानी उसमें भूगोल है, जियोग्राफी है, आपका पॉलिटिकल है और नॉर्मल GS है, वो भी साथ में कवर होंगे। और उसके साथ में ये जो करंट अफेयर है, यानी जो करंट के जो समसामयिकी है, यानी जो अभी पिछले एक साल से जो भी किस प्रकार की समसामयिक घटनाएं हो रही है तो उसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में इस बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया है साइको, मनोविज्ञान से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की। आपका पेपर सेकंड 260 नंबर का होगा, जिसमें जो टूर्नामेंट वगैरह में भाग लिया उनको 40 नंबर तक का बोनस मिलेगा। ये जो आपका पेपर सेकंड है 2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपको 130% ऑब्जेक्टिव टाइप के सोल्व करने रहेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें बात करता हूँ जो आपके 40 नंबर है वो आपके जो खेल प्रतियोगिता, क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के अलग अलग, यानी अप टू 40 तक रहेंगे। अप टू 40 का मीनिंग है जिस तरह से किसी ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो उसी के रिगार्डिंग उसको 40 नंबर तक मिलेंगे, और जिस तरह से कि नेशनल लेवल पे फर्स्ट विजेता है तो उसको भी 40 तक मिलेंगे, सेकेंड विजेता को 36 तक मिलेंगे, थर्ड वाले को 32 तक मिलेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे लेवल कम रहेगा, जिस तरह से स्टेट तक जाते हैं स्टेट्स पे थोड़े नंबर और कम हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं तो नंबर और कम हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्म भरने से रिगार्डिंग ये सभी जानकारियाँ प्रोवाइड कर दी है। जब भी ये फॉर्म साइट ओपन होगी तो मैं इसके रिगार्डिंग और जानकारी आपको
प्रोवाइड करवा दूँ। मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपकी कोई भी क्वारीज रहती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच। आगे कैसे भी अपडेट रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।